Big news coming in. The Indian cricket team will not be playing the Champions Trophy in Pakistan. There was a lot of question emerging if Indian team will be travelling to Pakistan while there are terror attacks sponsored by Pakistan taking place in Jammu and Kashmir. Pakistan pichle World Cup mein nahi jana cha raha tha, to hume ek bean sunai ja rahi thi ki Pakistan ki shayad ICC jo hai uski jo membership usko khatam kar dega, usko cancel kar dega. Lekin humne dekha Pakistan ko jana pada. Kya ICC इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? अफगानिस्तान के साथ भी आपको पता है पीसीबी ने एक सीरीज खेलने के लिए जो है वो ऑफर किया था, अफगानिस्तान ने वो सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था, पीसीबी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान ने भाई पांव पीछे कर लिए हैं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रहा तो हम भी नहीं आ रहे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हिंदुस्तान नहीं जा रहा, वो तो आप सबको पता है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है, जूते पड़ रहे हैं भाई भिखारियों को. लेकिन उससे पहले ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट भिखारी क्रिकेट बोर्ड ने जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और उनसे कहा कि भाई एक आध सीरीज कर ले भाई. उन्होंने कहा नहीं भैया, ऐसी गलती हम कभी जिंदगी में नहीं करेंगे. इसका काम तो है प्रॉपर गेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए. मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा. मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जाऊं. फाइनली दो हफ्ते के बाद या तीन हफ्ते के बाद भिखारियों की कोई न्यूज मिल ही गई भाई. लाहौल वाला कोई भिखारी ना आ जाए भाई. भाई ऐसे होता है, आप किसी को क्रिकेट सिखाते हो, फिर आप उसी को बोलते हो हमारे साथ सीरीज खेलो. करेगा गजवा एन तुम्हारे लिए, 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान. ये तो तुम्हारी टीम के हाल है और ब्लेम कर रहे हो इंडिया को. बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ बीसीसीआई को, वेल डन. जो तुम उम्मीदें लग रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को लगा बड़ा झटका, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया. भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में खेला जाना था. आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, इसके मुकाबले फरवरी मार्च में होने हैं. भारत इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराने की मांग कर रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने सोमवार को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल आईसीसी को सौंपा था. यह शेड्यूल तभी फाइनल होगा जब इस पर आईसीसी की मोहर लगेगी. पाकिस्तानी इस बात की खुशी मना रहे थे कि भारत पाकिस्तान खेलने आएगा, लेकिन पाकिस्तान की खुशी मातम में बदल गई. भारतीय टीम सुरक्षा के कारणों से पाकिस्तान नहीं जाएगा. भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी से हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैच श्रीलंका या फिर यूएई में कराने की मांग करी है. साथ ही खबर ये निकल कर आई है कि भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया. आइए हम पूरी वीडियो देखें. बैल मुझे मार, मतलब अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारनी है तो आप पीसीबी से रब्ता कर लो, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कर लो कि अपने पांव पे अगर खुद कुल्हाड़ी मारनी है. यार आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हो और आपने जो उससे पहले मसले क्रिएट खुद ही करवा लिए ना, वो अब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग बेटा छीनने वाला है. मैंने बोला था कि इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये बात की आईसीसी के साथ कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे. ठीक है, मैंने बोला था ये बात मुझे सोर्स से पता चली है. आज वो मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा वो क्या था और बात क्या हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. और दूसरी बात, अफगानिस्तान के साथ भी आपको पता है पीसीबी ने एक सीरीज खेलने के लिए जो है वो ऑफर किया था, अफगानिस्तान ने वो सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था, पीसीबी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान ने भाई पांव पीछे कर लिए हैं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रहा तो हम भी नहीं आ रहे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. एक के बाद एक टीम जब पाकिस्तान से जाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं मान रही, नहीं आएगी. पहले आप इंडिया का नाम ले रहे थे, अब अफगानिस्तान का भी नाम सामने आ गया. ये अफगानिस्तानी टीम भी जो है वो पाकिस्तान अब नहीं आएगी. मतलब आपको मैं एक बात बताता हूं, पीसीबी ने ना बहुत गलत काम किया है. यार मेरी एक बात सुनो घंटे के, मेरी एक बात सुनो कि आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने सब बोर्ड्स को अंदर एंटर करके उनका मशवरा लेके आप ना किससे पूछ रहे हो ना किससे गीच रहे हो,
शेड्यूल अनाउंस कर रहे हो, जो प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, कभी कुछ अनाउंस कर रहे हो, कभी इंडिया का मैच अनाउंस कर रहे हो। आज भी पीसीबी ने एक स्केड्यूल अनाउंस किया जिसमें जी इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश के साथ है। मतलब आप अंदाजा लगा लो उनकी गवर्नमेंट कह रही है हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में आने ही नहीं है। अब ना मेरी बात बड़ी डिटेल के साथ सुनिएगा। बात यह है कि जय शाह ने बोला है कि भाई रोहित शर्मा हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस ने समझ लिया, मेरे घंटे का फैंस ने समझ लिया कि वो इंडिया जी गिव अप कर गया। तो इंडिया कह रहे जी हम चैंपियंस ट्रॉफी खेले आएंगे, पीसीबी जीत गया, बीसीए ने अपने हथियार फेंक दिया। ये इनकी अकल का अंदाजा लगा लो, उसने बंदे ने बोला था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे बस, ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी। गवर्नमेंट ने जो आईसीए के साथ बात की थी वो उस बात में ये था कि सर हमने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाना, हमें एक अलग वेन्यू दिया जाए जहां हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे, आप पाकिस्तान में अपनी चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, हमें उससे मसला नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ बात करके इस मसले को खत्म किया था, क्योंकि जब पीसीबी ने जो शेड्यूल अनाउंस किया था वो पहले गया था जब वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ पास, इंडिया बीसीसीआई के पास, थोड़ी जो पीसी एक तो प्रपोजल था ना, एक तो प्रपोजल था जिसमें वो जो पिछले हफ्ते आया था, ये जो आज शेड्यूल आया ना ये पिछले हफ्ते बीसीसीआई के पास जा चुका है ये शेड्यूल। इंडिया अपना अगला मैच पाकिस्तान के साथ एक मार्च को लाहौर में खेलेगा। तो अब क्या करना है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ डायरेक्ट बात की थी और बोला था कि हम नहीं आ रहे इस मगालते में मत रहिएगा। और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बोला था कि इंडिया की तरफ से अभी हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अफगानिस्तान ने पीसीबी के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था कि जी हम इन घंटों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ये जो यूएसए से, आयरलैंड से हमसे भी पिल के आ रहे हैं, मतलब हम इनसे खेलेंगे, ये जो अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलते हम इनसे खेलेंगे। बिल्कुल भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए या देश को, किसी भी देश को वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है। इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर 12 बंदे आकर दिन दहाड़े सड़क पर एक बंदे को सर पे 25-30 चाकू मारकर भाग जाते हैं। उस बंदे को उठा के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, 4 दिन हॉस्पिटल में है, बंदे आज भी नहीं पकड़े गए। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। बताइए, इस्लामाबाद जैसे जो ये लोग दावे करते हैं कि पाकिस्तान बड़ी सेफ कंट्री है, इस्लामाबाद में जाकर एक बंदे को 12-13 बंदे मिलकर दिन दहाड़े हजारों लोगों के बीच में कोई बंदा आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उनके हाथ में मेरे ख्याल से पिस्टल वगैरह भी थी, कोई बंदा आगे नहीं बढ़ता, कोई बंदा कुछ नहीं कहता वहाँ पर। बहुत ज़्यादा वो सारी वीडियोज़ आ चुकी है, हम YouTube पे नहीं दिखा सकते। पुलिस भी कड़ी हुई है, वो भी आगे नहीं बढ़ती, यानी कि पुलिस के सामने एक निहत्ते बंदे को, जो खाली हाथ अकेला बंदा, उसे 12 बंदे छक्कू मार के चले जाते हैं। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक बंदे को पाकिस्तान के अंदर जिंदा जला दिया गया था, जो था तो पाकिस्तान का लेकिन रहता आउट ऑफ कंट्री था। वो बदबख्त, वो बदनसीब बंदा जो है वो पाकिस्तान आया था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन भाई किसी चौकीदार ने बोल दिया कि इस बंदे ने जो है इस्लाम की बेइज्जती की है, तो भाई बस दड़ से लोग जमा हो गए। ना कोई प्रूफ, ना कोई वीडियो, ना कोई फुटेज, कुछ भी सामने नहीं आया था। सिर्फ एक वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ के एक चौकीदार ने आवाज़ लगाई कि इस्लाम की बेइज्जती की, और लाखों लोग जमा होकर उस बंदे को दिन दहाड़े सड़क पर जला दिया गया। यह है पाकिस्तान।